जहां एक ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महेशपुरा में डिलीवरी के लिए आई महिला को नर्सों के द्वारा किया गया नजरअंदाज। पीड़ित महिला अपनी डिलीवरी कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी, लेकिन वहां पर नर्सेज ने पैसों के लालच में उसे नजरअंदाज किया। मजबूरन सर्द हवाओ में खुले आसमान के नीचे लेटने को वो महिला मजबूर हुई। वहीं नर्सेज ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए गांव की महिला को किया नजरअंदाज। डिलीवरी के लिए आई महिला का खुले आसमान के नीचे लेटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नवभारत समाचार जालौन यूपी से मयंक राजपूत की रिपोर्ट। बच्चा भी चेक नहीं कर रही, पर चेक कर ले जो कही हमने। क्या कह रही हैं? जो कहीं भागो जा रहा बच्चा, तो कहा मतलब कोई जैसे बहू है भाई, भड़बड़ा रही है, कम दिया नहीं नहीं है, खड़ी नहीं हो पा रही। देख लो गाना में बोल, गाना में बोल। आशा क्या बजे आई थी आप? 12 बजे आ गए रात में, दिन में? तो आपका कह रही थी 4 घंटे बाद देख रहे हैं। 1 घंटा बाद फिर दिए, रात में हुआ। क्या कह रही? 4 घंटे बाद देख रहे हैं। भर्ती के लिए नहीं कहा तुमने? कही थी कि चेक चेक कर ले, बाहर लेट हो जाए कह रही। अच्छा पानी चल रहा है सर, कर बता दिया रहा हूँ, चल नहीं आ जाए तो हम घर ही कर ले, चल नहीं आ जाए तो हम घर ही कर ले बच्चे को। फिर डॉक्टर साहब देखना थे कि नर्स थी अब कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? क्या तुम बोलना काय खड़ो करें, बैठा लो नहीं लिटा दो। डॉक्टर की डिलीवरी तो उन्हें दी गई, हम लोगों को तो नहीं दी गई। अगर कौन बातचीत करो तो डायरेक्ट बोला कि फिर कर लो। अब समस्या क्या है कि हम गरीब गुरबा है और जो गांव के लोग हैं, कौन गांव से आए? महेशपुरा से आए। और अगर जी को सिटी को मामला हो तो आराम से चेक करते हैं, जो बात की दिक्कत है। वो जो मांगा करी पैसा की, पैसा की अब नहीं कारण जैसे परेशान कर ले 1-2 घंटा तो पैसे मांगा, तुम मांगते हैं पैसा। अगर जान पर्चा हुआ जो चीज़ आराम से हो जाए, वो दिखते ही नहीं है।